नमस्कार मित्रों, गणगौर का पूजन आने ही वाला है। गणगौर तीज को मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बड़ी गणगौर होती है और वैसे 16 दिन की गणगौर होली से ही शुरू हो जाती है। गणगौर की पूजा में सिंजारे का भी बहुत महत्व है। सिंजारा क्या होता है, कौन किसको देता है और सिंजारा क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या क्या महत्व है और क्यों देना चाहिए। मित्रों, सिंजारा गणगौर के त्यौहार में बहुत बड़ी चीज़ है। सिंजारे से ही व्रत शुरू होता है। सिंजारे के सामान को प्रयोग लाकर ही लड़कियां और नई विवाहित स्त्रियां अपनी गणगौर पूजा को शुरू करती हैं। सिंजारे को बहुत ही प्रेम पूर्वक दिया जाता है और प्रेम पूर्वक ही लिया जाता है। सिंजारा एक दूसरे के प्रति प्रेम मान सम्मान को दर्शाता है। गणगौर की पूजा कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा दोनों ही करती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे घर वर के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो मित्रों, गणगौर का सिंजारा लड़कियों को भी दिया जाता है और नई विवाहित स्त्रियों को भी दिया जाता है। नई विवाहित स्त्रियां अपने मायके में बड़ी गणगौर की पूजा करती हैं पहले वर्ष, और कुंवारी लड़कियां अपने मायके में पूजा करती हैं तो उनके भाई और पिता उनके इस पसंद का सामान लेकर आते हैं। खाने पीने का हो सकता है, इसमें वस्त्र हो सकते हैं, तो ये अपनी लड़कियों को देते हैं। लड़कियाँ वही कपड़े पहनकर और वही खाने पीने का सामान प्रयोग करके गणगौर पूजती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं और उसी में उन्हें गुन्ने, घेवर, फिरनी, मिठाइयाँ दी जाती हैं जो वो पूजा में प्रयोग में लाती हैं। वहीं नई विवाहित स्त्रियाँ अपने मायके में पहली गणगौर पूजती हैं तो उनका सिंजारा उनके ससुराल से आता है। उनकी सासू माँ सिंजारे में 16 श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, मेकअप का सामान, मेकअप के सामान में बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछवे, पायल, नाक का कोका, बालियां, गले का हार, साड़ी, ब्लाउज और इस तरह की चीज़ें देती हैं। चुनरी देती हैं, जिस चुनरी को पहनकर गणगौर पूजी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा लहरिए की चुन्नी, जयपुरी स्टाइल की चुनियाँ आती हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। साथ में खाने पीने का सामान, उसमें घेवर आते हैं, गुन्ने आते हैं, गुन्ने बनाए जाते हैं क्योंकि गणगौर पूजा में गुन्नों का बहुत महत्व है और घेवर का महत्व है। मिठाइयाँ तरह तरह की दी जाती हैं, उन्हीं मिठाइयों को प्रयोग में लाती हैं वो अपनी पूजा में। साथ में जो उनकी सासू माँ उनके लिए श्रृंगार का सामान भेजती हैं, साड़ी भेजती हैं, जेवर भेजती हैं, उन्हीं को पहनकर 16 श्रृंगार करके नई निवेली दुल्हन अपनी गणगौर की पूजा करती हैं। गणगौर बहुत ही सुंदर त्यौहार है, बहुत ही ब्यूटीफुल त्यौहार है। इसमें बहुत ही प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा से ईश्वर जी और गोरा जी की पूजा की जाती है और सभी को बड़े उत्साह से इस त्यौहार को मनाने का क्रेज होता है। सबसे पहले 16 श्रृंगार करती हैं स्त्रियां, नई नई वस्त्र पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, काजल लगाती हैं। तो मित्रों, इस तरह से 16 श्रृंगार का सामान नई निवेली दुल्हन के लिए उनकी सासू माँ उनके ससुराल से भेजती हैं और वही सामान पहनकर और ओढ़कर और उन्हीं खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग लाकर गणगौर की पूजा की जाती है। जो भी आपकी सासू माँ आपको सिंजारे का सामान दें, बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें ग्रहण करें, उनके चरण स्पर्श करें और उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक पूजा में आप प्रयोग में लाएं। यह एक दूसरे के प्रति मान सम्मान प्रेम को दर्शाता है। वहीं कुंवारी कन्याओं के पिता और भाई उनके लिए जो भी सामान लाकर देते हैं वही वह पूजा में प्रयोग में लाती हैं। इस तरह से सिंजारा भेजा जाता है पूजा से पहले और सिंजारे का बहुत अधिक महत्व है। सिंजारे के सामान आने के बाद से ही पूजा शुरू हो जाती है। मित्रों, तो आपको भी सिंजारे की छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो गणगौर की सभी वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सिंजारे के सामान के बाद नई विवाहित स्त्रियाँ बायना निकालती हैं अपनी सासू माँ के लिए। कुंवारी कन्याएँ बायना नहीं निकालती, जब उनकी शादी हो जाती है तब वो बायना निकालती हैं। बायने में
नव विवाहित स्त्रियां अपनी सासू माँ के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, श्रृंगार का सामान, खाने पीने की वस्तुएं और दक्षिणा ये सब रखकर निकालती हैं। बायना कैसे निकाला जाता है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है, वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आशा है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय ईश्वर जी, जय गोरा माता। कमेंट में जय गणगौर माता अवश्य लिखें।